जी शर्मा ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। क्या कहा? अंडमान की टिकट करनी बुक? देखिए अंडमान की टिकट नहीं बुक हो सकती, हम लोग नॉन वेज टिकटें बुक नहीं करते। पर मैंने नया काम खोला है ट्रैवल एजेंसी का। सैर सपाटा। अनपढ़ आदमी को 50% डिस्काउंट, फायदा बड़ा है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी है बेसिकली, क्योंकि अनपढ़ आदमी तो पढ़ नहीं पाएगा और जिसने पढ़ लिया वो अनपढ़ कहेगा, कोई डिस्काउंट नहीं। सैर सपाटे का, घूमने फिरने का हमारी जिंदगी में बड़ा महत्व है। आप भी घूमने जाते होंगे, मैंने भी किन से पूछ लिया, मल्टी बिजी आदमी है, तो कभी रैली, कभी दिल्ली, कभी दिल्ली, कभी फिर रैली, कभी कभी तो ना जल्दी पहुंचने के चक्कर में पायलट के बगल में बैठ जाते हैं, उसको तंग करते रहते, निकाल ले निकाल ले, कौन देख रहा, निकाल निकाल। आप देखिए पैसे वाला आदमी शादी के बाद, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो क्या प्लान करता है शादी के बाद? स्विट्जरलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां पे हनीमून मनाएंगे। हाँ। गरीब आदमी बेचारा घर पे बैठा सोच रहा था है कि मेहमान जाए तो हनीमून मनाए। बड़ा आदमी जहाज में सफर करता है, गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए ट्रेन बनी होती है, लेकिन ट्रेन भी आजकल इतनी सारी हो गई है कि जो लोग पटरियों पे सुबह सुबह मोर बनकर नहीं बैठे होते वो भी सोच रहे होते हैं कि यार अब तो ना पटरियों पे बैठने का जमाना नहीं रहा। आप देख लो हमारी रेलवे पटरियों की जो हालत है, बाहर की पटरियां कितनी साफ सुथरी होती हैं, उनकी ट्रेन जब जाती है ना मॉडल टाइप लगती है वो, जब जाती है ना तो ऐसे लग रहा है वेरी गुड बोलती जा रही है, छिचक छिचक वेरी गुड छिचक छिचक। उनकी ट्रेन, हमारी ट्रेन चलती है ना पटरियों पे, जो भी पड़ा होता है उसको देख के और लानते डाल के जा रही होती है, उसकी चीखें निकल जाती बेचारी की पटरियां देख के, फिरे मुड़ो फिरे मुड़ो फिरे मुड़ो ऐसे, मतलब। पर भाजी एक चीज हम सबके साथ होती है, जब कभी हम लोग घूमने जाते हैं हाँ। तो अक्सर कई बार चीजें भूल आते हैं, जैसे मैं पिछली बार भी होटल से आया ना, तो मैं होटल से तौलिया और शैम्पू तो ले आया उनका हाँ। लेकिन उनका साबुन भूल आया। तो वैसे कई लोग चीजें भूल आते हैं। हमारे हाँ। लाला रोशन लाल जी है हाँ। आपको तो बताइए बाजी, ओए होए लेजेंड। एक बार कहीं गए छुट्टियां मनाने बीवी बच्चों के साथ, बस स्टैंड पहुंचे याद आए छतरी भूल आए, वापिस पहुंचे होटल भाग के, तब तक कमरा किसी नए जोड़े को चढ़ चुका था, हनीमून मनाने आए, वो बेचारे अंदर प्यार भरी बातें कर रहे, लाला ना छेद में से दिख रहा है, दोनों मियां बीवी बातें कर रहे हैं, जानू ये खूबसूरत होंठ किसके हैं? लड़की कह रही मेरे। लड़का था ओके जानू ये रेशम जैसे बाल किसके हैं? लड़की कहती मेरे। जानू ये झील जैसी आंखें किसकी हैं? मेरी। लाला बीच में से बोल रहा, भाई साहब छतरी की बारी आए बता देना मेरी है। अच्छा पाजी कुछ लोग अपनी बीवियों के साथ घूमने जाते हैं, कई लोग किसी की बीवी के साथ घूमने जाते हैं हर चीज पे ना म्यूजिक नहीं दिया जाता बाबा जी का ठुल्ला दिया जाता है ऐसे आदमी की ना तो गर्लफ्रेंड ना बीवी, फिर ना कीबोर्ड पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं हर एक लाइन पे म्यूजिक दे रहा है, प्याज महंगे हूं उस पर म्यूजिक दे कोई अबे प्याज महंगे हुए हैं मूलियां सस्ती नहीं हुई हैं और ये सच्ची बात है बाजी, जोड़े को देख के पता चल जाता है कौन बीवी के साथ घूमने आया कौन किसी की बीवी के साथ। आप देखिए कई बार लोग हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं ना हाँ। तो जोड़ा घूमने जा रहा है, अगर तो वो पहाड़ देख रहा है हाँ। तो समझो ये बगल वाली उसकी बीवी है हाँ। और अगर वो बगल वाली को देख रहा है हाँ। इसका मतलब पहाड़ बहुत देख चुका है वो। आप में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे, किसी की कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स होंगी या कुछ ऐसा। जी जी सर, आप घूमने घूमने जाते हैं? हाँ घूमने जाता हूँ। अच्छा। चार दोस्त के साथ में गोवा गया था घूमने के लिए। गोवा ही क्यों? वहाँ पे अच्छे बीच है, वहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए थे। बीच है हाँ। बीच पे नहाने के लिए है? नहाने के लिए। तो हरिद्वार चले जाते, वहाँ भी तो पानी आता ही है। नहीं वहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं तो और भी मौज मस्ती होती है। इसलिए जाते हैं आप? गोरी गोरी बाकी चोरी। क्या नाम भाई साहब आपका? नरेश सप्रू। नरेश, तो आप फॉरेनर्स के साथ ऐसे मौज मस्ती करने के लिए हैं? जैसे फॉरेनर्स तो सोच रही होंगी अरे नरेश सप्रू पहुंच गए होंगे चलिए गोवा चलते हैं, है ना? अभी नहीं जाते घूमने, अभी शादी हो गई होगी ना? हाँ शादी हो गई। नहीं घूमने जाते? नहीं नहीं, अभी तो घर में घुमाती होगी बीवी। चलिए थैंक यू, बैठ जाइए। और कोई मेरा भाई जिसकी कोई मेमोरेबल मोमेंट हो? बिच्छू बस एक बार, बिच्छू एक बार, एक बार बैंकॉक के दर्शन करवा दे बिट्टू, सच कह रही हूँ बिट्टू, उसके बाद मैं बड़ी आराम से गोवा ना
तेरे तेरे दिमाग तो नहीं खराब, बैंकॉक यंग कपल जाते हैं, और तू यंग तो छोड़, तेरे को तो जंग लगना बंद हो गया अब। बिट्टू जंग लगना बंद, कैसी बातें कर रही है? सिर्फ सांस पुराना हुआ है। हाँ, रस्ट प्रूफ या सुर सातों के सातों बराबर बज रहे। सुनो सारे गामा पा धा नी सा, क्या कमी है मुझ में बताओ। मैं राग हथौड़ी मार के ना तेरा पा धा तोड़ दूंगा मैं। इस उम्र में एक ही तो सुर बराबर बज रहा है, पा धा, वो भी तोड़ देगा तो किससे चलेगा। अरे चल ठीक है, तुझे ऐसी जगह भेजता हूँ मैं, तुझे लगेगा तू स्वर्ग में आ गई। सच? जल्दी भेज दे। अभी भेजता हूँ तेरे को मैं, तेरा ना। अब बता तेरा टिकट कहाँ से काटू, गले से काटू पेट से काटू, बता जल्दी। अच्छा अच्छा, अपनी दादी को मारेगा तू, अपनी दादी को। बहुत बड़ा एजेंट बन गया तू बिट्टू मुशाय। भूल गया तू, भूल गया इत्तू सा था, इत्तू सा। कहाँ कहाँ नहीं घुमाती थी मैं तुझे। इत्तू सा भी कभी होता है, बच्चा होगा फुल स्टॉप हुआ था तुम्हारे यहाँ। पूर्ण विराम। दादी तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, अगर तू घूमने चली जाएगी तो घर का काम कौन, मेरी बीवी करेगी। अच्छा मैं तेरी दादी हूँ या काम वाली? हाँ, अपनी बीवी से काम क्यों नहीं कराता तू? शक्ल देख उसके, ये हो बड़े बड़े होटल जमीन तक पहुंच जाते, उसके होठों से पोंछे लगा। और एक बात बता, अपनी दादी से इतना काम करवाता है, तारीफ में कभी दो पैक भी पिलवाया मुझे। चली दादी टली। किस बात की तारीफ करूं तेरी, दे जाके खाना बना अंदर जाके। अब जो भी हो बिच्चू छोड़ना, गुस्सा छूट दे। एक बार बिच्चू, एक बार मेरी टिकट करवा दे, मैं सच्ची कहती हूँ बहुत सारे कस्टमर ला के दूंगी मैं तुझे, सच्ची कहती। जा तू कस्टमर लेके आएगी। पीछे पड़ गया है, इसको भी घूमने जाना है, मेरे चाचा का बेटा है। एक काम कर तू, इससे बात कर, इसको भी अमेरिका जाना है, बात कर। शाबाश दादी, आज तूने अच्छा काम किया। असामी हेलो। हाँ मामा जी। हाँ पाए लागू मामा जी। अरे सीरियसली बोल रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? पाए ला, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा क्यों नहीं करेगा, जब से पाए लागू पाए लागू पाए लागू कर रहा है, पाँव ही तो नहीं है उसके, तो क्या लागू, रीमा लागू। कुछ और बोलना, मेरे को पहले बताना चाहिए ना, पैर नहीं उसके। हेलो मामा जी। हाँ श्रीराम लागू। फोन काट दिया उसने। चक्कर गुस्सा क्यों करके, पैर क्यों नहीं वैसे उसके, जूतों का बिल नहीं दिया था उसने। जूतों का पैर कटने से क्या लेना देना? क्यों, हम लोग जब बिजली का बिल नहीं देते तो बिजली काट नहीं देते, हो सकता है जूतों का बिल नहीं दिया पांव काट दिया। ठीक है दादी, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही है, देख तेरी टिकट करा दूंगा, लेकिन अभी तेरे को नकली नकली नाटक करना, जब भी कोई मेरा कस्टमर आए तो तुझे झूठ मुठ की तारीफ करनी है, कर दूंगी। झूठी मुठी क्यों, असली के तो लायक है नहीं ना तू। ठीक है कस्टमर आगे आगे आगे। क्या क्या एजेंट हो तू, क्या एजेंट हो तू, क्या एजेंट हो तू, हाय क्या बढ़िया एजेंट हो तू, हाय हाय हाय। सच में पिछली बार जो आपने अमेरिका भेजा था ना मुझे, क्या अमेरिका भेजा था आपने, एक घंटे में पहुंच गई थी मैं। एक घंटे में अमेरिका? हाँ एक घंटे में। कैसे? मैं बताती हूँ, बताओ। ये 8:30 यहाँ से निकली, वहां पहुंची तो 9:30 बजे हुए थे। अरे लेकिन 13 घंटे का टाइम का फर्क भी तो होता है ना। एक ताड़ गोली की झाड़, क्या फर्क फर्क लगा के रखी है तूने। जब बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया तो तू कौन होती है फर्क करने वाली, ताड़ गोली की झाड़। बिट्टू अतम्मा जी सटकली। चल बैंकॉक की टिकट दे, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ दे देता हूँ बैंकॉक की टिकट, ये ले बैंकॉक की टिकट, ये ले, चल चल निकल। असली वाली दे नहीं तो बांडा फोड़ दूंगी। हाँ है, सुन सुन। हाँ एक्चुअली क्या है ना, ये लो बैंकॉक की टिकट। बहुत अच्छा एजेंट है, बहुत अच्छा एजेंट है, बैंकॉक।
निकल गई जी जी. बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आप? वो हमें मनाली के लिए टिकट बुक करवानी है. हम हनीमून के लिए जा रहे हैं. अकेले जा रही हैं आप? तो मैं भी टिकट करा लेता हूँ. लगेज तो है ही आपके पास? हाँ, ये लगेज नहीं है. उठो जानू जानू. अरे हम पहुंच गए क्या? ये रुई में किसकी बॉडी डाल के ले आए आप? Excuse me, धक्का देकर बात करिए. ये मेरे हस्बैंड हैं. हस्बैंड है? मैं तूने ऐसा क्या देख लिया हस्बैंड ने तुम्हारा? क्या देखा क्या तुमने? एक्चुअली ना बहुत रोमांटिक स्टोरी है. जब मैं पहली बार इनसे एयरपोर्ट पे मिली थी ना, तो इनके मुंह से प्याज की स्मेल आ रही थी. ऊपर से टमाटर भी चूस रहे थे. मैं तब भी देख के समझ गई, जो आदमी बिना त्योहार के टमाटर चूस रहा हो वो बहुत ज्यादा अमीर होगा. अच्छा, तो तुझे टमाटर चूसता हुआ बुड्ढा नजर आ गया? पूरा बुड्ढा चूसा हुआ ये तुझे नजर नहीं आया? शक्ल से तो आप हुमायूं के क्लासमेट लग रहे हैं. आपकी शादी हो कैसे गई? मेरे को समझ नहीं आ रहा आपका चक्कर कैसे चल गया इसके साथ. देखिए, प्यार में उम्र को नहीं देखते हैं. हाँ, उम्र नहीं देखते, झुर्रियों तो दिख जाती कि नहीं? खुद गवाह नहीं हो सकता शादी के? पेरेंट्स ने इतराज नहीं किया इस बुड्ढन के साथ शादी करने में? देखो, इसके पेरेंट्स तो मान गए थे, मेरे घर वालों ने इतराज किया. 2 साल तक मुझसे बात नहीं की. आपके भी पेरेंट्स हैं? हाँ, बात नहीं की मुझसे 2 साल तक. तो कैसे करेंगे? जो चीज है फ्रेम में हार पहन के, वो कैसे बात करेंगे भाई साहब? मैं भी सोचूं 2 साल तक बात क्यों नहीं की. आपने तो मेरी आंखें खोल दी. थैंक यू. मैं भी सोचूं यार. वाह वाह वाह, ये अंकल का दिमाग खराब हो गया हुआ है. अंकल किसको बोला? राहुल नाम है मेरा. राहुल? हाँ. मेरा नाम कन्हैया लाल बुड्ढन. बुड्ढन किसको पता करने वाला है? एक्सपायरी डेट हुई. गंगा जल लाओ, गंगा जल. हाँ, सारी री फैशन देखो कितने किए हुए. क्या किया? चारू का हेड रेस निकाल दिया. अरे ये गर्दन सीधी रखने के लिए बातें हैं. मेरा स्कार्फ क्यों निकाला तूने? अबे उसने निकाला, मैंने निकाला है. तो मैं तेरे से ही बोल रहा हूँ. टैली मेरी गर्दन उधर गया. एक मिनट. तेरे से ही कह रहा हूँ मैं. क्यों स्कार्फ निकाला मेरा? वाह बड़े मियाँ, गर्दन पे कंट्रोल नहीं और चले मनाली हीरो बनने. मुझे लगता है दवाई का टाइम हो गया है. जरा ठुड्डी पकड़ेंगे प्लीज. हैं? पकड़िए ना. ठुड्डी पकड़ो. अरे पकड़िए तो. पकड़ो ठुड्डी. अरे पकड़िए ठुड्डी. अरे ये मजे मत ले मेरे. अरे जरा मदद करिए ना. ये मजे ले रहा है. पकड़िए, छोड़ दीजिए, मैं खिलाता हूँ. छोड़िए, छोड़ दीजिए आप. छोड़ दीजिए. हाँ, कान में चले गए. यहीं से चलो, यहीं से, यहीं से. कान में से दवाई. बेटर लग रहा है. अच्छा, बेटर लग रहा है. अब बोल, तू क्या बोल रहा था? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जाना कहाँ चाहते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया जाना है. ऑस्ट्रेलिया जाना है? हाँ. यमराज के पास. ठीक है, देखो क्या होता है इंटरनेशनल, जब हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं तो उसके लिए बीपी चेक करना पड़ता है, बड़ी सारी चीजें, मेडिकल इंश्योरेंस करना पड़ता है. तो आपका मुझे ये चेक करना पड़ेगा अपना सारा हिसाब किताब. अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला यार. और नहीं नहीं करना पड़ता. देखिए, एजेंट से और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना. और मैं तो दोनों इधर रह गए. मेरे को चेक करना पड़ेगा. दिखाइए इनकी नब्ज कहाँ है, मिल नहीं रही. डार्लिंग मेरे बैग में होगी, चेक करो. बैग में? हाँ, वो उनकी बाजू नकली ना, तो नब्ज बैग में रखनी पड़ती है. बाजू नकली है? हाँ. लेकिन नब्ज तो बैग में है ही नहीं. ओए, नब्ज बैग में नहीं है फिर. अरे जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे पास होगी. चेक करता हूँ मैं. आप वहां से पकड़ी जरा. हाँ ठीक है. अभी इसको बोलिए कुछ. हेलो, आवाज तो आ रही है. चल, इतने नए नए मोबाइल आए मार्केट में, ये पुराना लैंडलाइन तूने कहाँ से ढूंढ लिया? अभी सांस लीजिए, सांस सांस लीजिए. बस 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 बस, आगे के लिए भी बचा के रखिए. बस देखिए, इनमें वीकनेस बहुत है, इनको ताकत का इंजेक्शन देना पड़ेगा. हाँ. दूध का इंजेक्शन देना पड़ेगा. ओके,
देखिए दूध का इंजेक्शन हाँ। इसमें दूध भरा हुआ है, सिरिंज हमारे पास है नहीं, मुंह खोली ऐसे चूस लीजिए। सिर्फ 50 मिलीलीटर पीने से 60 पी गया, निकाल वापस। ये तो बुड्ढे का दूध भी बाहर आ गया। बैठिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओहो, अभी नॉर्मल रहिए। देखिए सारा कुछ चेक करना पड़ता है आपका, वहाँ पे सेहत वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है। आपने घूमने जाना वहाँ पे, हाँ तो आपकी टांगे भी है, वो घूमने जाना तो टांगे तो सलामत होनी चाहिए नहीं आपकी? वाह भाई वाह, टांग तो बड़ी मजबूत है आपकी। आपको पसंद है टांग मेरी? बहुत ज्यादा। फिर आप रख लीजिए एक टांग, मेरे पास 2-3 है एक्स्ट्रा, रख लो। ये आपके सारे अंग अलग अलग रहते हैं, कभी गेट टुगेदर नहीं करते? सुनो, याद रखना टांग की मालिश करवा देना बस। इसकी मालिश नहीं, इसकी पॉलिश करवाया करें आप। देखिए इंश्योरेंस तो आपका हो नहीं पाएगा, आपको जाना कहाँ है वैसे? अरे बताया ना, ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया जाना आपको? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपको भिजवा देते हैं। कितना टाइम लगता है वहाँ जाने में? ऑस्ट्रेलिया जाने में वो मैं आपको, ये देखिए पूरी दुनिया आपकी गोद में ला के रख देता हूँ, ये देखिए। ऑस्ट्रेलिया जाना है आपको, ये रहा इंडिया और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बाय रोड बाय एयर या कैसे? मतलब आप बताए, बाय अगर वाटर जाना हो तो कितना टाइम लगेगा? बाय वाटर जाना तो ये इंडिया है, 8 दिन लगेंगे। 8 दिन लगेंगे। अच्छा, और अगर अपना बायर जाना हो तो? बायर देखिए भाई, पकड़िए इसको। पकड़ा नीचे से भाई, ऐसे ये तो बायर हो गया ऐसे। हाँ। तो 6 दिन लगेंगे जी बायर, 6 दिन। हाँ, डिस्टेंस देखिए ना आप। अच्छा, और पैदल जाना हो तो? पैदल? पैदल तो 2 मिनट लगते, निकलिए आप। मजाक ना करें, सीधे सीधे बताइए ना। तो सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ, आप पैदल निकलेंगे तो आप तब पहुँचेंगे जब आप 32 साल के हो जाएंगे। लेकिन ये तो ऑलरेडी 92 के हैं। हाँ, तो इस जन्म में मर जाएंगे, जब अगला जन्म लेंगे उसके बाद जब 32 के होंगे तब पहुँचेंगे आप। जिस तरह की आप बातें करें ना, मुझे नहीं लगता आपने कभी किसी की टिकट कटवाई है। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैंने किसी की टिकट नहीं कटवाई। ये चेन्नई एक्सप्रेस आई ना शाहरुख खान की, सबकी टिकट हमने बुक करवाई, आपको पता है? ये लड़के की लड़की की, वो बाद में 4 गुंडे चढ़ते ना जिनको शाहरुख खान हाथ दे के ऊपर लाता है, सबकी टिकट हमने कराई। उस खाली टीसी की टिकट हमने से नहीं करवाई थी, इसीलिए टीसी को उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने। हाँ? हाँ? क्यों ताली मार रहे हैं? मुझे तो कोई हंसी नहीं, इसमें तो कोई पंच ही नहीं था। बात पंच की नहीं है, देखिए कोई कमिटमेंट नाम की चीज भी होती है। शाहरुख खान 2 बार शो में आए, तो हमने भी प्रमोश किया था कि हम उनकी 3 बार प्रमोशन करें थे, 2 बार कर दी हमने, ये लास्ट था, अभी खत्म, नाव सत्याग्रह। अरे लेकिन फिर की टिकट नहीं, घूमने जाने की टिकट। घूमने जाने की क्या बात कर रही है आपने? ओसामा का नाम सुना ना? ओसामा बिन, उसको जब आए थे ना अमेरिकी फौजी पकड़ने, उनको हेलीकॉप्टर हम ही ने दिए थे। ये कुछ ज्यादा झूठ नहीं बोल रहे तुम? ठीक ठीक लगा लो। ज्यादा हो गया तो लग रहा है कुछ? मेरे को भी लग रहा है ज्यादा हो गया। तो काम करते हैं, सब भूल जाते हैं, एक दूसरे की इज्जत बरकरार रहे। अभी आप जल्दी करिए, मेरा पैसे लेने का टाइम हो रहा है। अरे पैसे लेने का टाइम हो रहा है, पैसे दे देंगे, लेकिन बताओ तो 2 टिकटों के पैसे होंगे कितने? रिटर्न 2 टिकटों के तकरीबन मोटा ले लो आप, 2 लाख रुपया। 2 लाख? क्या हुआ? 2 लाख? 2-3 हजार में जो टिकट मिले वो करवा दो बस। देखिए 2-3 हजार की कोई टिकट नहीं होती, आपकी तो मैं करवा सकता हूँ 600 रुपए में। 600 रुपए में? हाँ जी। ठीक है, वो करवा दो बस, ठीक है नक्की। लेकिन वो डेट नहीं कंफर्म होगी, वो सडनली ट्रेवलिंग करनी पड़ सकती है आपको। मतलब सडनली मतलब आप वेट कीजिए, भगवान कोई हार्ट अटैक होए, 600 रुपए का लोटा आता है पीतल का, उसमें अंकल को डाल के ना हिंद महासागर में छोड़ देंगे। लेकिन डिपेंड करता है पानी के हिसाब से, हवा के हिसाब से किस तरफ ले जाए। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया निकल जाओ, हो सकता है अमेरिका निकल जाओ। अमेरिका का वीजा ही नहीं है मेरे पास। वीजा कोई बात नहीं, लोटे को कोई नहीं चेक करता, लोटा पानी में तैर रहा है, लोटे का क्या है? लोटा लोटा नहीं, लोटा ना लोटा क्या पता है। आप ही ना कैसी बातें कर रहे हैं, इतने अमीर है 2 लाख से क्या फर्क पड़ता है? डार्लिंग हनीमून भी तो मनाना है ना, 2 लाख से क्या फर्क पड़ता है? वैसे मैं गो टू टॉयलेट, आपके घर में बाथरूम कहाँ है? हमारे घर में? हाँ। ये आप सीधे जाएंगे ना? हाँ। ये वहाँ पे दरवाजा लगा हुआ है। हाँ। यहाँ पे सीधा लेफ्ट लेके। हाँ। नीले रंग का दरवाजा, वहाँ मेरी बुआ बैठी होगी, इसको 2 रुपए देना, अंदर घुस जाना। कोई
पास में बाथरूम नहीं है, नजदीक कोई? नजदीक चाहिए? बाई मिली जेब में कर ले। वो भरी हुई है, 2 मिनट पहले किया मैंने उसमें। मैं बाथरूम में जाता हूँ, 2 रुपए है मेरे पास। 3 मिनट में 4 बार बाथरूम के बारे में सोच रहा है, हनीमून क्या मनाएगा ये? क्या सोच लिया आपने? अरे यार, ये बुड्ढा है ना, हाँ? करोड़पति है, मर गया तो सारी जायदाद मेरी। भाई तुम तो एकदम खुल के सामने आ गई। मैं आजाद हूँ, याद रखना। तो मेरी एक काम क्यों नहीं करती तुम? मैं बुड्ढे को टपकाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ, आधी जायदाद मेरी, क्या बोलती हो? ऐसे कैसे? अरे अरे, हम लोग दोनों आपस में शादी कर लेंगे ना, आधी आधी जायदाद। तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं हुई, ऐसे मतलब कभी कभार थोड़ी बहुत ही, वीकेंड पे, अदरवाइज नहीं ऐसे। अच्छा, सोच के बताऊंगी। जानो आ गया हल्का हो गए। जानो आ गया हल्का हो गए। अरे ये क्या किया आपने? तुम्हारा कमोड अंदर से खाली था। तो खाली होता और क्या, राजमा चावल रखते इसमें, इसका दिमाग तो नहीं खराब। मैं अपने आप को हल्का करने गया था, भारी हो गया, निकालो इसको। ज्यादा बकवास नहीं करनी, स्विच दबा के फ्लश कर दूंगा, जुहू से जाके निकलोगे बाद में। जुहू नहीं जाना है, परेल जाना है। तो जुहू तक जाओ, इस कमोड में से निकल गए, आगे और कमोड कर लेना। ये कैसा बुड्ढा तेरा पति? आइडिया, एक कमोड करके परेल पहुंच जाएंगे, मतलब 100-150 कमोड करके तो हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। वाया कमोड चलेंगे ऑस्ट्रेलिया। वाया कमोड चलेंगे नहीं, ये पैसे निकालो। किस बात के पैसे? पैसे किस रुपए के? आइडिया तो मेरे यहाँ से है ना, आपको पैसे निकालिए इधर। अरे आइडिया किस बात का? कमोड मेरा नहीं है। तो कमोड तुम्हारा वापस ले लो, तो चीटिंग हो गई। चीटिंग आएगी बे? हाँ। चल निकाल के कमोड। अरे डार्लिंग चलो, मेरी हेल्प करो। चीटिंग बोल रहा है मेरे को। अरे हजारों लोग मेरी टिकट से सफर करते हैं, बड़ा है तू। अरे जा जा। चीटिंग बोल रहा है बुड्ढा। एक कमोड अच्छी तरह निकाल। अरे डार्लिंग मेरी चीटिंग। अरे चलो। अरे फंस गया, मैं क्या करूं? मैं तो हां हां हां। ओए, सब तेरी वजह से सफर कर रहे हैं, सब तेरी वजह से सफर कर रहे हैं। फ्रॉड आदमी, क्या हुआ? क्या मेरे साथ धोखा हुआ है? क्या धोखा हुआ है? मैंने कहा था तेरे को शादी करने के लिए। अच्छा, वो वाले धोखे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वही आदमी हूँ जिसने शादी के लिए तुमसे टिकट बुक करवाई थी। सिद्धू पाजी, शादी के लिए मैंने नई दिल्ली के लिए टिकट बुक करवाई, इसने नकली टिकट दे दी मेरे को। मैंने टीसी को टिकट दिखाई, टीसी कहता ये पुरानी टिकट है। अरे तू पुरानी दिल्ली उतर जाता। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। तुझे शर्म नहीं आई मेरे को? तूने नकली टिकट दे दी, पुरानी टिकट दे दी। शर्म वाली कौन सी बात? टिकट कौन सा बिना कच्चे के दे दी मैंने तेरे को, और तूने मेरे से पुरानी टिकट ली क्यों तूने मेरे से? यार तुमने खुद ही तो बाहर बोर्ड पे लिखकर लगाया हुआ है कि 1200 की टिकट तुम्हें 600 रुपए में मिलेगी। तो तुम्हारा अपना दिमाग नहीं, तेरे को नहीं पता सेकंड हैंड होगी वो, और ज्यादा पुरानी थोड़ी थी, 2 दिन पुरानी थी टिकट। इस बंदे ने मेरा बहुत नुकसान किया, जहाँ तुम मेरा पैसे वापस करो, तो जहाँ पर मेरी शादी करवाई यहाँ पर। बिट्टू शादी? बिट्टू इस पीली साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? पूरी जॉन्डिस। हाय रब्बा, सिद्धू जी, रेडीमेड। अपना खून असल में अपना खून होता है। हाय रब्बा, मेरे को सरप्राइज देने के लिए दूल्हा भी तैयार कर दिया। अरे कर लो ना, तेरे को रेडीमेड दुल्हन मिल रही है, तेरा क्या जा रहा है? क्या ये दुल्हन है? ध्यान से गौर से देखो इसको सिद्धू भाई, ये दुल्हन लगती है? दुल्हन होती है नाजुक सी, जो स्वागत से पहले ना घूंघट को ऐसे करती है, ऐसे करती है, इसलिए तो डंड बैठ के मारने शुरू कर देनी है। शक्तिमान को साड़ी पहनाकर ये मेरे को दुल्हन बता रही है। बिट्टू इधर इधर, इसे मेरी शक्ति का कैसे पता चल गया? शक्ति का कैसे पता लग गया? मेरी बुआ के बारे में इतना कुछ कैसे बता? मैं अकेला जानता हूँ, सारे जानते हैं, चाचा चौधरी के जमाने की ये। चाचा चौधरी का मेरी बुआ से क्या लेना देना बे ठुल्लू? इसके इसको गंजा करवाओ, कानों में कुंडल बुलाओ, बिल्कुल साबुन लगेगी ये। चाचा चौधरी का बिल चली लाके तलवार मार दूंगा। घर में चला नहीं मेरी बात सुनो, घर में और भी कस्टमर्स हैं। कोई कस्टमर नहीं है मेरे को पता, कोई कस्टमर नहीं है। तुम लोग घर के मैं बुलाऊंगा, ये सारा ऑफिस बनाकर लूटते हो, ये तुम कहते हो कस्टमर है? अरे इतना कॉमन नाम है, सुना नहीं?
कौन लगता है ये तेरा? मेरा पति है। ये बकवास औरत है ये? अपने बाप को ये पति बोल रही है? मेरे को क्या मारा? तूने मेरे को देखिए, आपकी जब टिकट हुई गुस्सा मत करिए, मैं फिर डर के मारे मेरा झूठ निकल जाएगा। एक सेकंड, 1 2 3 बाजी कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन? मैं आज बड़ा खुश हूं बाजी। क्यों? बिकॉज आज मेरी मैगजीन में जो इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, हाँ, वो शख्स है जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली दो मोटरसाइकिल पे पैर रख के बैलेंस बना के। हाँ। उसके बाद उन्होंने दो कारों पे पैर रख के बैलेंस बनाया और हाल ही में उन्होंने दो घोड़ों पे पैर रख के बैलेंस बनाया। सरदार खुश हुआ। हमने उनकी एंट्री को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी क्रिएटिव एंट्री दी है उनको। उसी एंट्री का मद्देनजर रखते हुए आज वो अपने ही दो पैरों पे बैलेंस बनाते हुए आ रहे हैं कॉमेडी नाइट्स में। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बॉलीवुड के सिंगम सिंगम के लिए। आग के समंदरों से वो चल के आया है, आसमां के शिकंजे से वो निकल के आया है। देखो मेरे घर को रोशन करने आज अजय नाम का सूरज खुद चल के आया है। क्या बात है, इधर अजय देवगन पाजी, उधर सिद्धू पाजी, कितने सारे पंजाबी हैं हमारे साथ। मैंने जैसे अजय भाई ने एंट्री ली ना सन ऑफ सरदार में घोड़ों पे, बेसिकली उसके पीछे ये भी फंडा था इनका कि एक पंजाबी आदमी ना घोड़े पे बैठ के बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा अगर ये मुद्दा सब पंजाबी में लागू हो जाए, मैं पंजाबी, आप पंजाबी, ये पंजाबी, हमारे पीएम साहब पंजाबी हैं, तो सोचो कैसा लगे सिद्धू भाजी घोड़े पे शूटिंग पे आ रहे हैं। तो मैं सिद्धू भाजी को फोन करूंगा, भाजी कहाँ हो? अरे यार ये कैसा घोड़ा दे दिया तूने, करेक्टर लूज घोड़ा, और रास्ते में किसी की बारात जा रही है, घोड़ी सजी हुई देख के वहीं पे बिफर गया यार। घोड़ा लाइन मार रहा। घोड़े ही लाइन मारते हैं। अजय भाजी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आम आदमी को प्रॉब्लम आती है, तो आपकी जो फिल्म आ रही सत्याग्रह, इसमें भी आपने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए? बेसिकली सत्याग्रह जो कहानी है वो 3-4 कैरेक्टर्स की है। जिस हर फिल्म में एक विलन होता है या एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है या नेगेटिव पॉइंट होता है, नेगेटिव इशू होता है, इसमें करप्शन का मुद्दा वो कैसे टैकल करते हैं, तो दैट इज द बैकड्रॉप ऑफ द फिल्म। और करप्शन आपको पता है कि कितना कम है हमारे देश में। ये बिल्कुल सही बात है भाई, करप्शन हर जगह है। मैं अभी अपने दोस्त के साथ ना बाइक पे जा रहा था, तो एक मोटर से पुलिस वाले ने रोक लिया मुझे। अरे इधर, ये अमृतसर की बात है, इधर गाड़ी साइड पे। मैं गाड़ी कहाँ, मोटरसाइकिल इधर का, इधर नीचे, तीन लोगों को चलान होगा। मैंने कहा भाई तीन लोग कहाँ है, हम लोग दो लोग हैं। तो ये जो आगे नंबर प्लेट के नीचे लिखा है परमात्मा हमारे साथ है, तीन ही हुए तुम लोग। मैंने कहा पाजी परमात्मा तो सर जी सबके साथ होता है। कहता मेरे साथ तो नहीं, मेरे साथ होता तो मैं धूप में खड़ा ड्यूटी कर रहा होता। सही बात है पाजी जी, ये जो करप्शन है, करप्शन इतना बढ़ गया है, करप्शन की वजह से ही महंगाई है, एक चीज जो है वो आगे 100 बीमारियों को जन्म देती है। आप पहले देखिए, कांदा काटते हुए पाजी आंखों में आंसू आते थे, अभी टमाटर काटते तब भी आंसू आ जाते हैं। इतना बुरा हाल हो गया महंगाई का। तो सा सा अजय, ओ सा सा, हाउ आर यू सा? हाय, हाउ आर यू सा? हु आर यू सर? माय सेल्फ सर, आई एम मिथिलेश सर।
सर मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए थी सर, मेरे को पता चला कि आप इधर आए हुए हैं सर, तो इसके लिए मैं इधर आ गया सर। सर बेसिकली क्या है सर, मुझे अनशन करना है सर, तो आई जस्ट वांटेड योर एडवाइस सर कि अनशन करने के लिए ना सर, मतलब जो बेसिक प्रेपरेशन है सारी की सारी ना सर, वो तो मैं कर चुका हूँ सर, यानी कि मैंने पंडाल भी बुक कर दिया है सर, साथ में मैंने सर एक गजल सिंगर भी बुक किया है, साथ में एक रॉक बैंड भी बुक किया है सर मैंने, सर उसके साथ साथ दो मैंने आइटम डांसर्स भी बुक कर लिए हैं सर एंटरटेनमेंट के लिए। सर उसके अलावा सर एंटरटेनमेंट में सिर्फ उतना नहीं है सर, सर मैं खुद भी डांस करने वाला हूँ। सर मैं खुद भी अच्छा डांस करता हूँ सर, आप ऐसे मुझे देख के सर ऐसे अपीयरेंस पे मत जाइए सर। सर आई शो यू, आई शो यू, आई शो यू, मैं डांस दिखाता हूँ सर, ये देखिए सर, सो यू स्टैंड लाइक दैट, सी सर, सर आई शो यू सर, सर ये वाला देखिए सर, सर सामने वॉल है, नहीं है सर लेकिन आपको ऐसा लगेगा सामने वॉल है सर, सी आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर सर, सच अ बिग फैन सर, मुझे आपके सारे के सारे सारे फिल्मों के सब डायलॉग्स याद है सर। सर वो आपका वो फेमस वाला डायलॉग था ना सर, वो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, अपनी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था, दैट वन सर, दैट वन मुझे याद है सर पूरा। आपको क्या लगता है इनकी कश्ती डूबी होगी कि धस गई होगी जमीन? धस गई होगी। आपकी कश्ती डूब ही नहीं सकती, आप तो नाक बंद करके समंदर में चले जाए ना, 6 महीने तक आप तैरते रहेंगे ऊपर ही। शार्क आएगी देखेगी ये कौन सा नया पड़ोसी आ गया। सर वैसे सर आप मेरी हेल्प कीजिए ना सर, आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग सर, कि सर अनशन करने के लिए ना बेस्ट सीजन कौन सा होगा सर? आप अनशन करना चाह रहे हैं या हनीमून पे जा रहे हैं? सर हनीमून के लिए कौन सीजन देखता है सर? नहीं लेकिन सर, लेकिन सीरियसली सर, मिशन के लिए तो सीजन देखना पड़ेगा ना सर, मतलब अगर एकदम बारिश का मौसम होगा तो चाय पकोड़े खाने का मन करेगा, तो एकदम गर्मी होगी तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करेगा, और एकदम ठंडी होगी अगर तो यू नो ना सर। ठंडी में अंगूठा क्यों चूसोगे? आप वैसे दिखने में ऐसे के सूजे हुए हैं। ऐसे बच्चे होते हैं, माए पहले खिलाती हैं, बाद में रात को पानी में भिगो कर रख देती, फिर सुबह फूल जाते हैं। देखिए आप अनशन वगैरह छोड़िए, हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, आप प्लीज यहाँ से गैदर हो जाइए। सर व्हाटएवर व्हाटएवर, थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट सर, आपने एडवाइस दी सर, थैंक यू, आई विल फॉलो इट। नो यू टोल्ड मी सर, थैंक्स, आई विल सी यू। अजय भाई आपने गोलमाल जैसी कॉमेडी सीरीज में, हिट सीरीज में काम किया एक कॉमेडियन के तौर पे, आपने सिंघम जैसी एक्शन फिल्म में एक ईमानदार अफसर का रोल किया खतरनाक एक्शंस के साथ, फिर आपने ओंकारा कंपनी जैसी फिल्मों में एक डॉन के करेक्टर निभाए, उसके बाद आपने शहीद भगत सिंह में एक देशभक्त का किरदार निभाया, तो इतने सारी वर्सेटाइल रोल के बाद सडनली कैसा लग रहा है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आके? मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, because I'm watching more as an audience and laughing instead of performing. Thank you, thank you. एक बार जोर-जोर ताली बजाइए के लिए, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज बैठ जाइए। जो अजय जी के चाहने वाले हैं, जो उनसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, वो एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी सर। या, तू तो पहले ही बेहाल। सर माय नेम इज रवि। जी रवि जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी इन्होंने 44 बर्थडे बनाया और आई एम जस्ट 40 ओनली, ये इतने फिट कैसे हैं? यार मैंने सबको मैंने सबको 42 बोला हुआ था, घर पे 42 बोला हुआ, आपने मेरी पोल खोल दिया। और वैसे भी हमको इतना टाइम नहीं मिलता आप जैसी बॉडी बनाने का, तो थोड़ी तकलीफ होती है। क्या करते हैं रवि जी आप? मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ। प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं? Yes. तो ये इतनी प्रॉपर्टी बैठे बैठे बनाई है? फैमिली के साथ आए? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ आपकी फैमिली? वो उधर बैठे। इतनी दूर क्यों बैठा? कितना साल हुआ आपकी शादी को? मेरी 24 साल। 24 साल में कोई 2400 फीट का फासला आ गया। 22 साल। ये प्यार देख लो, उनको याद ही नहीं है। भाभी जी को माइक दीजिए जरा,
व्हाट्स योर गुड नेम भाभी जी? वंदना। वंदना जी इतना दूर क्यों बैठी हुई हैं आप? उनको इतनी स्पेस मत दीजिए, तभी तो बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू रवि जी। वैसे आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस, एक बात कहनी चाहूंगा। Yes. आपकी प्रॉपर्टी काफी ब्यूटीफुल है। थैंक यू। अरे भाई, आपको याद है अपने कितने हो गए आपकी? जी याद है। कितने? सोच रहा हूँ। 12 साल। 12 साल। यही हमने काजोल मैडम से पूछा था ना, उन्होंने एग्जैक्ट बताना था इस डेट को हुई थी शादी, इतने बजे हमने फेरे किए थे, इतने बजे जयमाला हुई थी। लड़कियों को ये चीजें याद रहती हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम ये चीजें चलाएंगे नहीं कि आपने सोच के बताया, ताकि घर जाके नहीं, हम चला दीजिए। जोक सपाट, सीरियस कॉमेडी करेंगे। और हमारे कोई दोस्त जो अजय सर से अपने कोई दिल की बात करना चाहता? अरे वाह, मोहतरमा आओ, मेरे से तो कभी पूछा नहीं सवाल है। मेरा नाम नम्रता है। आपने आज तक अपनी फिल्म्स में इतने सारे हीरोइंस के साथ काम किया है, उन सब में से किनके साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? जिनके साथ उनको बड़ा मजा आया काम करके, वो तो घर ले गए। उनसे शादी कर ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के साथ मुझे मजा नहीं आता, बस उनको घर नहीं ले जा सकता। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी। वाह भाई, कांगड़ी पहलवान। हेलो अजय सर, मेरा नाम उमिक है, मैं आपके लिए एक गाना गा सकता हूँ? खड़का के गाना गाना चाहता हूँ, मतलब प्लीज देख लो, गा लो, बस वीकनेस ना आए बस। थैंक यू सर। जी चलाओ ना नैनो से बाण रे। अच्छा है, लेकिन बॉडी इतनी छोटी है, प्राण बेचारे अंदर तक। प्राण बगैर उड़ गए हमारी बॉडी से, प्राण रे। बॉडी तो है नहीं, प्राण जेब में रखा कर। क्या बताया नाम अपने ब्रदर? उमिक। उमिक, उमिक क्या करते हैं आप? मैं TYBCOM में पढ़ता हूँ अभी तो। कहाँ पे? कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ते हैं आप? आपको वहाँ पे मिड डे मील मिलता है? नहीं मिलता है। मेरी हमारी सरकार से गुजारिश है कि सिर्फ 5 साल के बच्चों तक को नहीं, उसके बाद भी कईयों में कमी रह जाती है। आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी मिड डे मील की प्रथा शुरू होनी चाहिए। दबा के खाया करो, सोचा ना करो आप, ठीक है? जो आए रगड़ दिया करो बस। ये मैं तो कहता हूँ चाय में माइक डुबो के खा जाओ, जो आए खा जाओ बस। चलिए, थैंक यू उमिक, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, खा जाओ। और कोई हमारे दोस्त जो हलाल होना चाहता हो? सर अजय सर सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। सर मैंने आपकी दीवान की फिल्म 20 बार देखी है। एक बार में समझ नहीं आई थी? समझ नहीं आई थी मुझे, पता था यही बोलोगे। सर मेरा सवाल आपसे ये है, अक्सर मैं अवार्ड फंक्शन देखता हूँ, उसमें आप क्यों नहीं जाते? आजकल अवार्ड फंक्शंस इतने ज्यादा होने लगे, अगर हम सब अवार्ड फंक्शंस पे जाने लगे तो शूटिंग पे आपको जाना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? सर मेरा मेडिसिन का बिजनेस है, मेडिसिन दवाइयों का। दवाइयों का? जी सर। तो ऐसी कोई दवाई नहीं आती जो आप खाएं और ये उल्टे सुलटे सवाल आपके दिमाग में आने बंद हो जाए? मेडिकल स्टोर है आपका के? सर होलसेल का काम है, दवाइयों का होलसेल का। यस सर, अलीगढ़ में। तो आज बॉम्बे में कैसे? सर मैं आया था फंक्शन में, एक में अवार्ड फंक्शन में। मेरे भाई की एंगेजमेंट थी वहाँ। भाई की एंगेजमेंट थी? छोटे वाले की बड़े वाले की? बड़े वाले की। बड़े वाले की आपकी हो गई? अभी नहीं। हाँ मेरी भी हो गई, मेरी पहले हो गई। पहले क्यों इतना? क्या जल्दी थी? देश आजाद हो चुका, 2 साल ठहर जाते। ऐसा क्यों? ऐसे लड़के होते जान बुझ के माँ बाप को तंग करते, शादी करने दिल करे ना, सीधा नहीं बोलते, चिड़चिड़े से होने शुरू हो जाते हैं। खाना खाओगे? नहीं नहीं आगे खाऊंगा वापस से। माँ बाप खुद ही करते थे, ठंडा करो इसको, इसके करो इसके। चलिए शुक्रिया। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त? वाओ, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन।
शो में ग्लैमर आए ना, अच्छी जींस भी स्पेंड की तो अच्छा लगता है। ये तो ये खड़े हो गए, हमारा दवाइयों का बिजनेस है जी। हाँ यस ब्यूटीफुल, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? हेलो अजय जी, मेरा नाम नीति मोखा है एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। मोखा मोखा, मुझे लगा मौका, मैंने कहा मौका मौका मिलते ही शुरू हो गई। सुनहरा मौका। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी आंखें बहुत डैशिंग एंड बहुत इंटेंस है, जिसके पीछे मेरे ख्याल से सारी लड़कियां फ्लैट हो जाती है, तो सर इसके पीछे क्या राज है? आई थिंक पैदाइशी ऐसी है, तो फिर जब पैदा हुआ था तो ये ऊपर से मिली। नो नो नो, आपने कब नोटिस किया पहली बार कि इनकी आंखों में गहराई है? उनकी जो मूवी थी सिंघम, उसके अंदर उनकी काफी आंखों के ऊपर ज्यादा फ्लैश गया हुआ है। सिंघम में ही आपने आंखें देखी, बाकी मैं चश्मा पहन के आए थे। नो, वो मूवी में सबसे ज्यादा फ्लैश गया हुआ है उनकी आंखों में। एंड आपको इनकी आंखों में गहराई नजर आती है, तो यू वांट टू स्विम इनसाइड? नो नो, नॉट इन दैट सेंस, इट्स वेरी इंटेंस, एकदम मिस्ट्री वाली है। सो देखिए लड़कियों का आप देखिए माइंडसेट क्या होता है। सिंघम में आपने ये नोटिस किया, सिंघम में एक फिल्म थी हमारे करप्ट जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ, और इनका ध्यान कहाँ गया आंखों की गहराई में, इसीलिए देश तरक्की नहीं कर रहा। इतना ये इतना अच्छा मैसेज था फिल्म में, आपको आंखों की पड़ी हुई थी है। मौका मिले तो आती रहना आप शो में, अच्छा लगता है, नाइस ग्लैमर। थैंक यू नीति। और कोई हमारे दोस्त जी जो अरे सर से बात करना चाहते हो? जी अरे वाह, दूर देश से हमारे दोस्त जी। तेरी बेल्ट थोड़ी नीचे नहीं पहनी हुई, कमीज छोटे भाई कितनी पहन के आ गए, पतले हो गए हो सर, दो साल पहले मिलते हो चलता। नाभि की आगे वाला बटन देखिए सर, वो घर जाके ऊपर वाले बटन देख के पूछ रहा है तेरी भी वही हालत है जो मेरी है। जी व्हाट इज योर क्वेश्चन? वैसे मेरा ये सवाल है, आपकी मूवी सन ऑफ सरदार में आपका एक डायलॉग था जो आपने चेस्ट हिला के बोला था, शेर हूँ शेर, सर वो एक बार करा देते। हाँ तो मैं वो डायलॉग बोलूँ आप? सर वो एक बार चेस्ट हिला के करें। चेस्ट हिला के शेर हूँ शेर, कोई कुत्ता नहीं जो बुलाने पे आ जाऊंगा। सर चेस्ट तो हिल, चेस्ट का क्या? चेस्ट तो हिल नहीं, अंदर हिल रही थी। आपको मुझे भरोसा नहीं है, अब यहाँ आइए। सवाल पूछने आया, चेस्ट देखने आया तू? याद रखो, याद रखो, छाती पे हाथ रखो। थैंक यू ब्रदर, बहुत इच्छा किया आपने, लुधियाना से स्पेशल उनकी छाती हिलाने के लिए आया। चलिए थैंक यू ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त हैं? अरे वाह, चरण से सोना तो जाग जाइए। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप वही तो नहीं? आप वही नहीं है ना? नहीं नहीं, एक ऐसे ही अजय भाई, कैसे एक एक न्यूज़ रीडर भी आते हैं कसम से, वो ना न्यूज़ सुनाने का स्टाइल कसम से, अगर आप देखते हो हाँ ये वैसे ही लगते हैं है ना, बड़े कमर्शियलाइज तरीके से खबरें सुनाते हैं। ध्यान से देखिए ये कातिल, ऐसे बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ उनका स्टाइल, ध्यान से देखिए ये कातिल हो सकता है आपके घर में हो। इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। जी सर, गहने मैंने काफी पहने आपने हैं, खाते पीते घर का, हमारे घर पे तो खाना बनता ही नहीं। अजय जी मेरा आपसे एक ही सवाल है, दो पूछो। अमित जी के साथ में आपने बहुत सारी पिक्चरें की है, जैसे कि आरक्षण, हिंदुस्तान की कसम, मेजर साहब, मेजर साहब, बहुत सारी पिक्चरें की है, तो अमित जी से आपने क्या कुछ ऐसी एक बात कोई अच्छी सी कौन सी सीखी? एक नहीं, ऐसी सौ बातें जो उनसे सीखी होंगी। आज भी जो डेडिकेशन उनमें है, वो जब भी शॉट दे रहे होते हैं तो वो इस तरह शॉट दे रहे होते हैं कि पहली बार वो काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो उस डेडिकेटेड रहते हैं, तैयारी करते हैं अपनी, जो हम सब एक्चुअली नहीं कर पाते। तो आई थिंक इससे बड़ी बात और क्या हो सकती कि यहाँ पहुँचने के बाद भी वो फिर भी ऐसा। थैंक यू सर, क्या नाम बताया सर आपने अपना? प्रकाश।
बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने प्रकाश जी. अजय जी ही नहीं बल्कि हम सब, अगर मैं एज ए होस्ट हूँ या एज ए एक्टर हूँ, एज ए कॉमेडियन हूँ, हम सब ने बच्चन साहब से बहुत कुछ सीखा है. एक बार जोरदार ताने हमारे लेजेंड के लिए. और कोई हमारे दोस्त? जी सर. अरे आइए डॉक्टर साहब. आओ महारथी. आप डॉक्टर हैं? जी नहीं, छोटा सा बिजनेसमैन हूँ. छोटा सा बिजनेस क्या? चींटियों को आटा खिलाते हैं? मेरा नाम धर्मपाल भाटिया. धर्मपाल भाटिया जी. भाटिया जी, तो अजय जी से पूछना चाहता था कि बाहर तो आपकी जो इमेज है एकदम बिल्कुल सिंगम जैसी है, लेकिन घर के अंदर मैडम के सामने म्याऊं बिल्ली सिंगम ही है या हमारे जैसा हाल है? ये सताए हुए लोग हैं. आप अपनी तकलीफें मुझे बता रहे हैं या मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? अपने बाहर हर आदमी सिंगम होता है, घर जाके च्युइंगम हो जाता है. अच्छा अभी ना हौसला आ गया उनको, बाहर जाके पता क्या सोचेंगे. मैं वही चेक करना चाहता था, वही चेक करना चाहता था कि सबका वही हाल है कि हमारे ही है खाली. अभी आगे से इनको कभी वाइफ डांटेगी ना, अकेले कमरे में जाके शीशे देखकर, अरे क्या यार अजय देवगन का ये हाल है तो हम क्या चीज है. अपने आप को बंदा हौसला देता है. भाटे साहब किस चीज का बिजनेस करते हैं आप? मैं इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस. हाँ जी, इमिटेशन ज्वेलरी. इमिग्रेशन करवाते हैं ज्वेलरी को? नकली गहने बनाता हूँ मैं. नकली गहने? हाँ जी. इमिटेशन ज्वेलरी. ध्यान से देखिए इस आदमी को. यही है वो खूंखार प्राणी जो नकली गहने बनाता था और बना बना के उस आदमी को देता था. देखिए कुदरत की काया देखिए आप, ऊपर वाले की करनी देखिए. जो लग रहे हैं मतलब गेटअप से स्मगलर, उनका काम बुटीक का. और खड़े हुए थे, मुझे लगा ऐसी आवाज होगी. अजय जी आवाज. अजय जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. और ये जो दिखने में डॉक्टर हैं और बिजनेस देखिए नकली गहनों का, ऐसा क्यों सर, असली क्यों नहीं बनाते आप? ये असली बना, वो भी बनाने लग जाएंगे, आपकी कृपा हुई तो वो भी कर लेंगे. मेरी क्या कृपा, मैं पी चिदम्बरम हूँ, मेरा क्या. चलिए थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया. मेरा दिल कर रहा है डॉक्टर साहब बोलने को, मेरे को डॉक्टर लग रहा है. थैंक यू वेरी मच. चलो ऐसे ही किस दिन रहा तो आज नकली गहने बना रहे हैं, ऊपर वाली कृपा रही, नकली दवाइयां बनाएंगे आप. खैर बाजी, हंसी मजाक तो चलता रहेगा. हाँ, फिलहाल वक्त है एक ऐसी शख्सियत से मिलने का जिन्होंने अजय सर से बहुत सारे सीरियस किरदार करवाए, एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने सोशल इश्यूज को लेकर बहुत सारी फिल्में बनाई जिनमें से सत्याग्रह भी एक है. तो जोरदार तालियों से भूखे पेट तो बहुत हैं, मगर रोटी से दूरी है. गले कटवा के भी ना रोना, ये कैसी मजबूरी है. आज बापू होते तो हम सबसे कहते सत्याग्रह कल भी जरूरी था और आज भी जरूरी. वाह, आपका स्वागत है सर. आपने सत्य बात कह दी. सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं होता. ठोको ताली इनके लिए. क्या बात है बाजी. सर ये हमारे लिए एक बड़ी अद्भुत मोमेंट है, एक बड़ा खास एक्सपीरियंस है, बिकॉज आप हमेशा ही सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, एक सीरियस फिल्म मेकर हैं, तो आप एक पहली बार कॉमेडी शो में आए हैं, तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा आपको कैसा महसूस हो रहा है. कपिल, ऐसा है कि आजकल जो देश में हो रहा है वो कॉमेडी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. ना जाने कौन सा हादसा अखबार में आ जाए, ना जाने कौन सा सिक्का बाजार में आ जाए, अरे चोर उचक्कों के साथ भी दोस्ती कर लो यारो, ना जाने कौन कल सरकार में आ जाए. फिट बैठ गया. क्या बात कही सिद्धू बाजी. और जैसे प्रकाश जी ने कहा कि पूरे देश में जो हमारी राजनीति में जो कुछ हो रहा है वो भी एक तरह की कॉमेडी है, लेकिन सर कुछ भी कह लीजिए टीआरपीसी शो की आ रही है. प्रकाश सर, अपने देश में आजकल जो कुछ हो रहा है, घपले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे बातें करना चाहते हैं. जी आप प्रकाश सर से एक एक करके अपने दिल की बात कर सकते हैं. जी जी मैम. नमस्ते जी,
मैं बॉबी बोल रही हूँ मुंबई से. आप सामने हैं, फोन पे नहीं बात कर रही हैं आप. बॉबी बोल रही हूँ. लिखती हूँ प्यार से स्याही ना समझना. अभी जस्ट कॉलेज से पास किया, ब्याही ना समझना. ऐसे आ गया. जी बॉबी. हाँ जी, मुझे पूछा था कि टमाटर प्याज इतने महंगे हो गए, तो आप कुछ ऐसी चीज, कोई रेसिपी बताइए जिसमें टमाटर प्याज नहीं पड़े जा सके. औरतों ने औरतों वाला सवाल पूछ लिया. हमने डायरेक्टर साहब को बुलाया कि शेफ को बुलाया आपने? ये क्या सवाल पूछ लिया आपने? मगर ये भी एक कोइंसिडेंटल बात है कपिल, कि मैं जब मुंबई आया था तो आने के साथ तो कोई काम वाम था नहीं और फिल्म बनाने का कोई ऐसा इरादा भी नहीं था. मैं तो पेंटिंग वेंटिंग सीखने की कोशिश कर रहा था. तो पहले 9 महीने मैंने किचन में ही काम किया था एक रेस्टोरेंट के. अरे वाह, अरे वाह. तो वहाँ प्रोफेशनल कुकिंग सीखी थी और बहुत अच्छा, बहुत काम आती है वो अभी जिंदगी में. प्याज और टमाटर इतने महंगे हो गए, इन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी. वही बता रहा था. तो हमारी रेसिपी यही है कि आप फिल्में बनाइए. फिल्में बनाइए. फिल्में सब्जी से ज्यादा ठीक रहती हैं. टमाटर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, आप कास्ट नहीं कर पाएंगे टमाटर को अपनी सब्जी के लिए. आपको टमाटर की डेट्स लेनी पड़ेंगी. क्या दिन आ गए हमारे, क्या जाएंगे हम? टमाटर साहब घर पे हैं, हमने सब्जी के लिए साइन करना है. टमाटर प्याज की बातें बहुत हो गई. खैर, ये कॉमेडी नाइट्स है, सब्जी मंडी विद कपिल नहीं है. चलिए, शुक्रिया बॉबी. थैंक यू वेरी मच. जी, और कोई हमारे दोस्त? हेलो सर, दिस इज अजीत फ्रॉम पुणे. सर, मुझे प्रकाश सर आपके लिए क्वेश्चन था. पुराने मूवीज जो है उसमें से बहुत सारे एक्ट्रेसेस आज पार्लियामेंट में है, पॉलिटिशियंस बने हैं अच्छे लेवल पे. आज के यंग जनरेशन के ऐसे कोई एक्ट्रेस बन सकते हैं क्या आगे जाके पॉलिटिशियंस? ऐसा कुछ पार्टियों का ऐसा सोचना है कि जो बाहुबली लोग हों, जिन्होंने ज्यादा मर्डर वर्डर किए हों, क्रिमिनल चार्जेस हों उनके ऊपर, वो ज्यादा क्वालिफाई करते हैं. तो उस हिसाब से यंग हीरोइनों में किसने ज्यादा मर्डर किए सर? मैं कहता हूँ जिसने मर्डर किए वो नहीं, जिसने मर्डर में काम किया ना उनको अगर बना दें. वो घूम फिर के बाद मल्लिका पे आ गई. पर कल ये है कि अगर मल्लिका पार्लियामेंट में मौजूद हो, कम से कम हाजिरी तो पूरी होगी सबकी. देखना, अगर एक बार आ गई ना मल्लिका पार्लियामेंट में, सबने सारे चैनल छोड़ के डीडी न्यूज देखा करना. आ गई लोकसभा सेशन. पता चल रहा है लोकसभा सेशन चल रहा है, इतने कपड़ों में. मॉनसून अधिवेशन चल रहा है और लोग बैठ के घर में उसी को एंजॉय कर रहे हैं. क्या बात, इतनी सेक्सी गवर्नमेंट आज तक नहीं देखी. चलिए, बड़ा अच्छा लगता है आजकल का जो यूथ है, हमारी नई जनरेशन है, ये इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं कि कौन लीडर होने चाहिए, बॉलीवुड से हो, कहीं से भी हो, लेकिन अच्छे लोग सामने आने चाहिए. शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त? हेलो. इतनी सीरियस बातें चल रही देश के बारे में, ये क्या है? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? गुत्थी. हेलो. हेलो, हाय हाय जी. ये चांद सितारे कहाँ से ले आए तुम? हेलो प्रकाश जी, गुत्थी. आप यहाँ पे क्या कर रही है मोहतरमा? यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना कि मैंने ना एक, मैं इनको ना अपनी पॉलिटिक्स पार्टी का मेंबर बनाने के लिए आई हूँ. मैंने एक पार्टी खोली है. कौन सी पार्टी खोली आपने? एप्पल औरत पार्टी. एप्पल औरत पार्टी क्या होती है? आम आदमी पार्टी हो सकती है तो एप्पल औरत पार्टी क्यों नहीं हो सकती? एप्पल औरत पार्टी, ये जो पार्टी है ना, ये मर्दों के खिलाफ आवाज उठाने की. मर्दों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है उनको हर चीज के लिए. ड्राइविंग करो तो मर्दों के ऊपर डिपेंड, भी चलाओ. फिर शॉपिंग करो तो खर्चे के लिए डिपेंड करो. फिर उसके बाद थप्पड़ भी मारना हो तो किसके ऊपर डिपेंड करो? मर्दों के ऊपर. नो वे, हमको डिपेंड नहीं करना, हमको अपने आप इंडिपेंडेंट होना है. इसलिए हमने अपनी पार्टी के लिए एक एंथम सॉन्ग भी बनाया, थीम सॉन्ग. क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं. खड़काओ खड़काओ. आप आए हैं हमारे दर पे, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मर्द अगर करेंगे हमको परेशान. आप आए हैं हमारे दर पे, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मर्द करेंगे अगर हमको परेशान. हम निकाल लेंगे मशीन गन, हम निकाल लेंगे मशीन गन. कैसा लगा आपको हमारी पार्टी का ये थीम सॉन्ग जो है? कमाल है जी, कमाल है. प्रकाश सर की फिल्म में जो विलेन होते हैं ना, हाँ जी, वो भी आपसे ज्यादा ग्लैमरस होते हैं. देखिए, मेरी बात सुनिए आप. एक लीडर का फर्ज होता है लोगों को खुश रखना. हाँ जी. हाँ. तो आप यहाँ पे ना हमें इरिटेट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं. आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी जनता खुश हो, नहीं तो आप चले जाइए. नहीं नहीं, चले क्यों जाइए, खुश करती हूँ जनता को.
कैसे खुश करेंगे आप? मैं चुटकुला सुना के खुश कर दूंगी। हाँ सुनाइए। मैं आपको चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार ना एक शराबी होता है, अपनी बीवी से कहता है, एक्सक्यूज मी, ये हम लोग थोड़ी पॉलिटिकल बातें हो रही थी सत्याग्रह को लेकर, थोड़ा पॉलिटिकल कोई चुटकुला है तो सुनाइए। ठीक है, एक बार एक पॉलिटिकल शराबी होता है, अपनी पॉलिटिकल बीवी से कहता है कि मेरी पेंट कहाँ पे है? फिर? अरे उसकी पेंट नहीं मिल रही, आपको फिर की पड़ी है। अजी जी, मैंने ना आपकी एक पिक्चर देखी थी, बहुत सुपर हिट थी, विजय पथ। मुझे तब्बू से बड़ी जलन हुई थी, मुझे गंगा जल देके भी मैं इतनी जली नहीं थी जितनी मैं विजय पथ देके जली थी। हाँ सच में, उसमें ना तब्बू कहती ना, रुक रुक अरे बाबा रुक, इफ यू डोंट माइंड, तो अगर आप को आप मतलब ड्राइव करो और मैं आपको रोकूं, मतलब आप प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या ड्राइव करो? ड्राइव मी क्रेजी जैसे भी हो, मतलब आ जाओ एक मिनट, आ जाओ। अरे भाई, आपने इंडस्ट्री की तमाम हीरोइंस के साथ काम किया होगा, जो हीरोइन हमने आपको प्रोवाइड कराई, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ये वाइड शॉट ले लेना, वाइड शॉट, पता नहीं चलेगा दोनों में से अजय देवगन को। हेलो, क्यों नहीं पता चलेगा? अपनी फिल्म के लिए हीरोइन मंगाई थी। अरे सर, मेरे को, मैं बता रही हूँ, मेरे को कल रात को ना सपने में आए आप, ना सपने में आए आप, बताऊ जी क्या कहते? मेरी अगली फिल्म में हीरोइन तू होगी। मेरा सुबह का सपना सच हो जाएगा, मैं सच बता रही हूँ। अच्छा, मुझे ड्राइव मी क्रेजी ना हो। अगर आप क्या करना चाहती हैं? मैं ये करना चाहती हूँ, वो स्कूटर है सामने, तो आप स्कूटर चलाओ, मैं नीचे आती हूँ, मेरा मतलब स्कूटर के नीचे जाती हूँ, आप स्कूटर चलाओ, मैं कहूंगी आपको रुक 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 अरे बाबा रुक, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड। वो स्कूटर चलता है? हो गया खत्म। गुत्थी जी, आप यहाँ से दफा होंगे, मैं पुलिस बुलाऊं। स्कूटर तो कहीं जा ही नहीं रहा। लेकिन आप बहुत आगे जा रही हैं, आप जाइए यहाँ से। जा रही हूँ। एनीवेज, तो प्रकाश सर, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपकी सत्याग्रह से वो क्या उम्मीद रखें, सत्याग्रह में उनको क्या देखने को मिलेगा? देखिए क्या है, आज के जो की युवा वर्ग जो है, बात कही है सर, सत्याग्रह इस देश के नौजवानों के साथ हमारा संवाद है, डायलॉग है, और हमने इस फिल्म में गांधी जी की सबसे प्रिय प्रार्थना जो थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उस प्रार्थना में आज के नौजवानों के भाव, नए भाव जोड़े हैं। और हमारे नौजवान कहते हैं कि अब तक धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना, सहते जाएं ऐसा बल भी मत देना, उठकर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा। वाह, वो कह रहा है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो
ये मौसम बदलना चाहिए और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। जोरदार तालियां सत्याग्रह के नाम पे। सर सत्याग्रह कब रिलीज हो रही है हमारे दर्शकों को आप प्लीज बताइए। बहुत जल्दी 30 अगस्त को सत्याग्रह अपने देश में और पूरे विश्व में क्रांति क्रांति लाने वाली। इतनी अच्छी सी बात है, जल्दी बीच में भ्रष्टाचार घुसा है। बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। ऐसी ऐसी बातें मत करो, तुम्हें पता नहीं है। ये है ना प्रकाश जी, इन्होंने मुझे दरअसल मृत्युदंड में माधुरी वाला और राजनीति में कटरीना वाला रोल ऑफर किया था। बात कर रही दादी, क्यों झूठ की ऐसी तैसी कर रही, दिया क्यों नहीं रोल फिर? ठीक ठीक लगा पर नहीं चाहिए था। यही तो प्रॉब्लम हो गई। दरअसल क्या है ना कि माधुरी और कटरीना के टैलेंट के सामने मेरा ग्लैमर काम ही नहीं किया। लेकिन एक बात यहाँ मैं सच्ची कह रही हूँ अजय बेटा, सबसे पहले परंपरा परंपरा इस परंपरा कम यार। इसे धोना नहीं, ये बहुत ही बरकती पप्पी है, बस बढ़ती जाएगी। और प्रकाश अंकल दादी गलत बोली क्या? कहाँ से अंकल? कोयले वाले इंजन के टाइम की है तू खुद, और उनको अंकल बोल रही है। चलो प्रकाश पे सेटल करते हैं। बाबे आदम के जमाने की है। अफसोस मत, आपको भी दे देती हूँ, मुंह बना रहे जब से। कैमरे के सामने वाले जो होते हैं उनको फायदा मिलता, पीछे वाले को नहीं मिलता। आज दोनों बराबर कर दिए। बराबर की टक्कर। दादी बंटवारा सही करती है। सब खुश रहे। क्या इतनी सीरियस फिल्म बनाते रहते हो? करेला खाते हो क्या? लेकिन एक बात है, ऐसी सीरियस फिल्म में भी आइटम सॉन्ग जरूर डालते हैं। आइटम सॉन्ग प्रकाश जरूर डालता है। अच्छा सुनो, मतलब की बात बिजनेस। अगली बार ऐसी कुछ आइटम सॉन्ग करो तो कंसीडर मी। देखो मेरे स्ट्रक्चर पे मत जाइए, मैं सच कह रही हूँ, अंदर अब भी आग जल रही है प्रकाश। यकीन नहीं आता तो देख लो। आग वाग कोई नहीं है, बुझे कोले निकलेंगे। दादी क्या कर रही है?
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.